दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या हो अगर ये आपकी जिंदगी का आखिरी साल हो? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आने वाला भविष्य कैसा होगा? जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बड़े बड़े ज्योतिषी पंडित भविष्य बताने का दावा करते हैं, क्योंकि आजकल ज्योतिषी का चलन बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन वो आधे पढ़े लिखे और आधे जानकार होते हैं, इसलिए ज्यादातर उनकी भविष्यवाणियां सही नहीं बैठ पाती। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां अधिकतर सच साबित होती हैं, और उनमें से एक बाबा वेंगा है जो इतिहास की बहुत बड़ी भविष्यवक्ता रही है, जिन्होंने 2020 और 2021 में होने वाली महामारी के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। पर उनकी कुछ भविष्यवाणियां आने वाले सालों को लेकर है, जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, बाबा वेंगा का जन्म 31 जनवरी 1911 को हुआ। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई और पिता को जासूस मानते हुए जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद से बाबा वेंगा के हालात बदल गए। वो पूरी तरह से अपने आसपास के लोगों की दया और संवेदना पर निर्भर हो गई। तब इनकी जिंदगी में एक रहस्यमय घटना घटी। इसके बारे में बाबा वेंगा खुद बताती है कि पहले मुझे भविष्यवाणियां वगैरह का कुछ पता नहीं था, मैं बिल्कुल साधारण थी, लेकिन एक जोरदार तूफान में मैं न जाने कहां पटक दी गई। लंबी खोजबीन के बाद जब वो मिली तो आंखों में रेत भरी हुई थी। बाबा वेंगा दर्द से चीख रही थी। वक्त के साथ उनके दूसरे जख्म तो भर गए, लेकिन आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। पर इसके बाद से बाबा वेंगा के साथ एक बहुत अनोखी घटना होने लगी। उनके पास एक ऐसी शक्ति आ गई थी जिससे वो छोटी छोटी बीमारियों का अपने हाथों से ही इलाज कर देती थी। साथ ही साथ वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही बता देती थी। और इसी तरह बाबा वेंगा ने अपने जीवन काल में कई सारी भविष्यवाणियां की। साल 1996 में बाबा वेंगा की ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत हो गई, लेकिन तब तक बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर आम लोगों तक उनके मरीज हो चुके थे। बाबा को लिखना पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन वो हमेशा कहती थी और लोग लिखते थे। इसी तरह बाबा वेंगा की कई सारी भविष्यवाणियां इकट्ठा हुई और उनके भविष्यवाणियों में से 80% सच साबित हुई। सोवियत यूनियन के विघटन, 9/11 का आतंकी हमला, प्रिंसेस डायना की मौत, 1950 की ग्लोबल वार्मिंग से लेकर 2000 में सुनामी जैसी कई बातों को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सच हुई। लेकिन उनकी कई सारी भविष्यवाणियां हमारे भविष्य को लेकर भी है, जिसमें सबसे पहले भविष्यवाणी की है धरती की कक्षा में बदलाव आएगा, जहां भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले कुछ ही समय में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप के चलते धरती का हाल बेहाल हो जाएगा। इसकी वजह से धरती की कक्षा में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बदलाव से धरती पर मौसम बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होगा। कहीं बाढ़ आ जाएगी तो कहीं भूकंप आ जाएगा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा। बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी के अनुसार साल 2028 तक ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र ग्रह तक पहुंचेगा। इतना ही नहीं, बुध ग्रह की तरफ एक मानव अंतरिक्ष मिशन भेजा जाएगा। जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के चलते धरती के आधे से ज्यादा हिस्से त्रस्त हो चले हैं। ऐसे में मनुष्य ने अभी से ही दूसरे ग्रह पर रहने के संबंधित तलाशी शुरू कर दी है, और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी सच भी हो सकती है। तीसरी भविष्यवाणी की बात करें तो यह भविष्यवाणी यूरोप की आबादी को लेकर है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले कुछ ही सालों में यूरोप की आबादी करीब करीब शून्य हो जाएगी। आतंकवाद एवं सामाजिक और मौसम परिवर्तन के चलते ऐसा संभव भी हो सकता है, क्योंकि यूरोप में कई सारी बड़ी घटनाएं आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, जो यूरोप में इंसानों का नामो निशान मिटा देगी। वैसे दोस्तों, यूरोप में खलीफा का शासन होगा, इस चीज की भविष्यवाणी बाबा वेंगा कर चुकी है, जहां 2043 तक यूरोप में पूरी तरह से इस्लामिक खिलाफत कायम हो जाएगी। तब दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासन के अधीन होगी। आज यूरोप की हालत यह है कि इस्लामी आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। लाखों मुस्लिम सनातियों के रूप में यूरोपीय देशों में रहने लगे हैं,
जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और ये दिक्कतें आगे चलकर बहुत ही खतरनाक रूप लेंगी। दोस्तों, एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी ये भी है कि साल 2046 तक इंसान अपने हर एक अंग का निर्माण करना सीख जाएगा, अंगों को बदलना इलाज का हिस्सा बन जाएगा। बाबा वेंगा के अनुसार मेडिकल साइंस बहुत ही ज्यादा तरक्की कर लेगा, जिसकी वजह से मानव की उम्र और भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि अगर शरीर का कोई भी अंग खराब होगा तो उसे दूसरे अंग से बदला जा सकेगा। दोस्तों, एक वक्त था जब ये कहते थे कि इंसान आधे जानवर थे, पर अब बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के हिसाब से एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। 2154 तक इवोल्यूशन ऐसा मोड़ लेगा कि जानवर भी इंसान में बदल जाएंगे। और दोस्तों, बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां हैरान करती है वो ये कि आने वाले समय में समुद्र का स्तर बहुत तेजी से भर जाएगा और धरती पर समुद्र का विस्तार हो जाएगा, और ये चीज आने वाले 10 सालों में ही देखने को मिलेगी, जहां पृथ्वी के बर्फ की विशाल परत गल जाएगी, जिसका परिणाम ये होगा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और आधी धरती जलमग्न हो जाएगी। समुद्र के किनारे बसे हुए शहर पानी में पूरी तरह डूब जाएंगे और उनका नामो निशान नहीं मिलेगा। कई जगहों पर सुनामी आएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे शहर सुनामी के आगोश में छा जाएंगे। लेकिन ये सब जब होगा, उससे पहले एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आ सकता है, और ये खतरा है महामारी का। जी हाँ, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले समय में एक महामारी ऐसी भी आएगी जो करोड़ों लोगों को मौत का ग्रास बना लेगी, क्योंकि अभी 2 साल पहले जो महामारी आई थी उसने लाखों लोगों की जान ली, पर उससे भी बड़ी एक बीमारी आने वाले समय में देखने को मिलेगी, जिसका इलाज मेडिकल साइंस के विकसित होने के बाद भी मौजूद नहीं होगा, और यही बीमारी दुनिया की आधी आबादी की जिंदगी तबाह कर देगी। करोड़ों लोग मारे जाएंगे और कई सारे लोग इस बीमारी के कारण तरह तरह की परेशानियों का शिकार हो जाएंगे, जो उन्हें जिंदगी भर सताएगी। और इस महामारी से सिर्फ वही लोग बच पाएंगे जो प्रकृति के नियम कानूनों के हिसाब से चलेंगे और धन दौलत से ज्यादा अपनी सेहत पर ध्यान रखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां किस ओर इशारा कर रही हैं। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।